तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम देखो यहाँ से, तो इसमें क्या है कि अब देखो, लेंथ ऑफ द रॉड ए, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो रॉड ए की जो लेंथ है वो यहाँ पे दिया हुआ 3.25 और प्लस माइनस 0.01 एब्सोल्यूट एरर आ जाता है, और बी रॉड की जो लेंथ है वो 4.19 और प्लस माइनस 0.01 का एरर आ जाता है। तो बी लॉन्गर देन रॉड ए, तो बी ए से कितना लंबा है? तो चलो मान लो बी माइनस ए पूछ रहा है, तो बी माइनस ए, तो ए आ जाएगा मुझे डेल्टा, इसको मैं कुछ बी माइनस ए कुछ एल डिनोट कर देता हूँ, तो ये हमें चाहिए। तो अब तुम देखोगे जो एक्चुअल लेंथ एल है बी माइनस ए, तो एल तो बहुत आराम, एल की एल का हमें फॉर्मेट लिखना है, ये इसको मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एल प्लस माइनस डेल्टा एल के फॉर्मेट में। तो एल तो क्या है, सीधा सीधा घट सब्सट्रैक्शन है। तो एल जो है एक्चुअल लेंथ जो रॉड की होगी, वो एक्चुअल लेंथ कितना है, 4.19 में से 3.25 अगर मैं घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 0.94। तो 0.94 तो एक्चुअल आ गया, तो 0.94। अब प्लस माइनस डेल्टा एल एब्सोल्यूट एरर, अगर ऐसी कोई क्वांटिटी एल ऐसे लिखी हुई है एल बी माइनस एल ए, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं डेल्टा एल? तो एब्सोल्यूट एरर इन बी प्लस एब्सोल्यूट एरर इन ए, एरर इन दोनों का सम कर देते हैं, एरर तो घटता नहीं है भाई। तो 0.01 प्लस 0.01, तो ये 0.02, तो ये यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन बना 0.94 प्लस माइनस 0.02। तो एक मतलब यहाँ से तुम देखोगे तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाता है, एरर कभी घटता नहीं है यार। अगर यहाँ सम होता तभी भी ये 0.02 ही एड होता, पर ये वाली एक्चुअल लेंथ यहाँ चेंज हो जाती। बात आ रहा है समझ में ना मेरे भाई? तो नहीं तो तुम इसका डायरेक्ट भी कर सकते थे, एल से बी में घटा दो तो ये इस वाले चीज़ को घटा दोगे। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो एल से बी में घटाओगे तो इन इस चीज़ को घटा दो और ये चीज़ एड कर दो, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर घटता नहीं है, हमेशा एडिटिव नेचर होता है।